सिविल अस्पताल में तहसील मुख्यालय का और जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने जा रहा है। इससे कोविड 19 वार्ड के सभी बेडों के लिए लगातार ऑक्सीजन सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। अस्पताल में 200 एमपीएल ऑक्सीजन क्षमता का यह प्लांट हाईटेक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य द्वारा बुधवार को ऑक्सीजन प्लांट का सिविल अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया गया। उन्होंने प्लांट में लगी मशीनरी व अन्य उपकरणों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के संचालन के लिए तैनात कर्मचारियों एवं उपस्थित डॉक्टरों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्लांट में जरूरी मशीनें लगने के बाद बिजली के कनेक्शन भी कुछ दिन में मुहैया हो जाने से यह काम करना शुरू कर देगा। प्लांट से कोविड 19 मरीजों के बेडों के लिए सीधी ऑक्सीजन सप्लाई हर समय बरकरार रहेगी। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के कक्ष को तैयार कर रहे ठेकेदार के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे अस्पताल परिसर दलदल में तब्दील हो गया, जिसका खामियाजा खुद कलेक्टर को भुगतना पड़ा और कलेक्टर परिसर में दलदल से होकर ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचे। CABMO डॉक्टर PD करवैया ने बताया कि प्लांट 200 MPL का है। ऑक्सीजन प्लांट को कंपनी का इंजीनियर आकर इंस्टॉल करेगा, उसके उपरांत ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई शुरू की जाएगी। प्लांट से एक बार में 30 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। ऑक्सीजन प्लांट कोरोना व गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अन्य मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। खबर हटाके के लिए दीपक पटेल की विशेष रिपोर्ट। लगने वाला था उसकी कंप्लीशन की स्थिति और क्या क्या और व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत थी, उसको जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। कल अपनी जो प्लांट के इंजीनियर द्वारा यहाँ पे वो प्लांट को जो है इंस्टॉल करने की काम किया जाएगा। बिजली विभाग से ऑलरेडी संपर्क की गई है, उन लोगों का यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कल तक पूरी तरह यहाँ पे रेडी रहेगी और हम लोग जो है परसों यहाँ पे अपनी सैंपल लेने की स्थिति में रहेंगे। एक बार सैंपल की टेस्ट हो जाएगी, सैंपल रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा, तो ये प्लांट जो है हम लोग पूरी तरह काम करवाने की स्थिति में रहेंगे। तो आज के डेट में अपने ज़िले में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो 1500 LPM प्लांट ही है, उसके अलावा हटा में भी अपना एक और प्लांट लगेगा। इसके अलावा एक निजी हॉस्पिटल में भी हम लोगों के यहाँ पे एक PSA प्लांट है। इसके तहत पूरे अपने ज़िले में 3 PSA प्लांट हो जाएंगे। तो जो कोविड के दूसरे लहर में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ा बहुत हम लोगों को इश्यूज थे, तो वो सब रिजॉल्व करने की स्थिति में हम लोग जो है आज के डेट में रहेंगे। और कल आप जैसे सभी लोग विदित भी हैं, सभी अपने 4 ब्लॉक में जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं और सभी जगह जो है हम लोगों के गांव में भी एक या दो केसेस मिले हैं। तो आपके माध्यम से सभी लोगों को यही निवेदन है कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें।